हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ प्रसाद इस बार एक और वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए, जो कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। ये यूपी बोर्ड में फर्स्ट ईयर एंड इंटर लेवल पे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, एंड CBSE बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। इससे पहले इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, जब दो नाउंस में कंपैरिजन होता है तो वो सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री एंड कॉम्परेटिव डिग्री में इंटरचेंज होता है। यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज है। अगर कंडीशन ये है कि कंपैरिजन दो से ज़्यादा नाउंस में हो रहा है, तो ये जो मैंने आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर लिखे हैं, दो तरह के हैं, पॉजिटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री के। आप इनको फॉलो करेंगे, सेंटेंस हो जाएगा बहुत ही आसानी से। बहुत स्टूडेंट्स को ये टॉपिक नहीं समझ में आता है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मैंने ये केस देखा है, लेकिन इसको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। आप बस स्ट्रक्चर को फॉलो करें, बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से आप सीख जाएंगे। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक की। लिखा है व्हेन कंपैरिजन इज मेड अमंग मैनी नाउंस, सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन पॉजिटिव कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। सीधा सा मतलब यह है कि अगर दो से ज़्यादा, इट मीन्स तीन चार पाँच छः कितने भी नाउंस हैं, उनमें कंपैरिजन हो रहा है दो से ज़्यादा हों, तो उस सेंटेंस को हम पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और उसका मीनिंग नहीं चेंज होगा। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो दो स्ट्रक्चर हैं आपके सामने। एक पॉजिटिव डिग्री में आप देखेंगे, एक स्ट्रक्चर नोदर से स्टार्ट हुआ है, वही दूसरा स्ट्रक्चर वेरी फ्यू से स्टार्ट हुआ है। तो इसके सामने जो नो अदर वाली रो है, उसमें आप देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री का जो कॉलम है एंड सुपरलेटिव डिग्री का जो कॉलम है, आप ये आपस में इंटरचेंज करेंगे। ओके, नोदर से अगर स्टार्ट हुआ है पॉजिटिव डिग्री में, तो कॉम्परेटिव डिग्री में उसी के सामने वाला जो कॉलम है उसमें इंटरचेंज होगा। वही अगर सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट हुआ है पॉजिटिव डिग्री में, तो कॉम्परेटिव डिग्री में जो उसके सामने वाला कॉलम है उसमें जो स्ट्रक्चर दिया गया आप उसे फॉलो करेंगे। ओके, चलिए स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लें। ओके, अच्छे से समझ लें और उसके बाद में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करें। चलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, डायरेक्ट मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए, नो अदर से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद में नाउन सिंगुलर आता है। अगर सेंटेंस वेरी व्यू से स्टार्ट होता है तो नाउन उसके बाद में प्लूरल आता है। बात करते हैं इंटरचेंज की। नो अदर से सेंटेंस स्टार्ट है तो कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे? एग्जाम्पल है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज जॉन। तो फर्स्ट एंड लास्ट नाउन के प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगे। ये जब भी आप पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव में या सुपरलेटिव में इंटरचेंज करेंगे, तो फर्स्ट एंड लास्ट नाउन के प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, लेकिन अगर कॉम्परेटिव डिग्री से सुपरलेटिव में कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट नाउन के प्लेसेस इंटरचेंज नहीं होते हैं, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ डिग्री चेंज करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही इजी है, समझ सकते हैं। मैंने लिख भी दिया है नीचे पॉजिटिव डिग्री, ये देखिए पॉजिटिव डिग्री, उसके सामने है कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करते टाइम फर्स्ट एंड लास्ट नाउन के प्लेसेस इंटरचेंज नहीं होते हैं, बट पॉजिटिव डिग्री से अगर कॉम्परेटिव सुपरलेटिव में कर रहे हैं तो प्लेसेस इंटरचेंज हो जाते हैं। ओके, फर्स्ट नाउन लास्ट हो जाता है एंड लास्ट वाला फर्स्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज में सेंटेंस भी दे दिए हैं, ये भी आपको करने हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करना। ये जितने भी हैं सभी के सभी पॉजिटिव डिग्री में चेंज होंगे। ओके, चलिए फिर से मैं इसको एक बार समझा देता हूँ आपको। सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट हुआ है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज जॉन, तो लास्ट वाला नाउन पहले आएगा कॉम्परेटिव डिग्री में अगर हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं तो जॉन इज़। ओके, सेंटेंस प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में ही रहेगा, बस डिग्री को चेंज कर देंगे, यहाँ पे इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट कर देंगे। सिंगुलर नाउन होने की वजह से वहाँ पे देखिए बॉय इन द क्लास, ओके, बॉय सिंगुलर नाउन है इसलिए वहाँ पे लगाएंगे एनी अदर, ओके, देन एनी अदर। और वही यहाँ सुपरलेटिव डिग्री में भी क्या करेंगे, जॉन इज़,
सिंगुलर नाउन है बॉय, इसलिए द लगाएंगे, द के साथ में सुपरलेटिव डिग्री जो कि है मोस्ट इंटेलिजेंट, ओके बॉय इन द क्लास। अगर सेंटेंस प्लूरल नाउन के साथ में हो, जैसे वेरी फ्यू के साथ में गर्ल्स आया है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन होने की वजह से कॉम्परेटिव डिग्री में देन के बाद में आल अदर, मैनी अदर या मोस्ट अदर रख देते हैं। वही सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, देखिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ लगाते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे है इंडस्ट्रियस, तो इसका हो जाएगा वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस, ओके। खैर सेंटेंस देखिए बहुत ही इजी है, लिखा है वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज इंडस्ट्रियस एज डॉली। कॉम्परेटिव डिग्री में लास्ट वाला नाउन पहले आएगा, तो हो जाएगा डॉली इज मोर इंडस्ट्रियस देन ऑल अदर या मैनी अदर या मोस्ट अदर गर्ल्स। कि यहाँ पे मैंने तीन वर्ड यूज़ किए हैं, ऑल मैनी मोस्ट, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सेंटेंस आ जाता है ऑल से, कभी मैनी या कभी मोस्ट से, और कहा जाता है इसको पॉजिटिव में चेंज कीजिए सुपरलेटिव में, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मोस्टली क्या होता है कि अगर आपने आल पढ़ के गए हैं तो कहीं मैनी आ गया तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ओके। इसलिए तीनों वर्ड समझ लें, उनको याद रखें। यही अगर कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस है और सुपरलेटिव में कहा गया इसको इंटरचेंज करने के लिए, तो फर्स्ट वाला नाउन एंड लास्ट वाला नाउन उसके प्लेस चेंज नहीं करते हैं, बस हम डिग्री को चेंज कर देते हैं, ओके। मोर इंडस्ट्रियस देन आल मैनी मोस्ट अदर, इसकी जगह हो जाएगा वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस, ओके। बहुत ही सिंपल है, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लें, फिर इसकी प्रैक्टिस करें, ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में, कमेंट सेक्शन में जाके जो भी आपका फीडबैक है, आपका ओपिनियन है, उसको ज़रूर दें, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।